एवरीवन, तो स्टार्ट करती हूँ आज का संडे ब्लॉग। और आज संडे संडे नहीं है, आज काफ़ी स्पेशल डे है। तो आज है गुरु पूर्णिमा, और गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं उन सबको धन्यवाद बोलना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। सबसे पहले विधाता, मेरे माँ बाप जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, भाई, टीचर्स, कॉलेज के, स्कूल के, हस्बैंड, मेरी 8 साल की बेटी, मेरी सास, इन सारे लोगों की वजह से मैंने लाइफ में बहुत कुछ सीखा है। इन्हें धन्यवाद करना तो बनता ही है, और उनमें से एक आप भी है। आप सबकी वजह से भी मैंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीखी है, इसीलिए आज के इस पावन अवसर पर मैं उन सबको और आप सबको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। और सच में आप सबके बिना, उन सबके बिना मैं कुछ नहीं होती। अगर मुझे सही से गाइड नहीं किया जाता, एक गुरु का सही मुझे डायरेक्शन बोलते हैं ना, वो नहीं होता तो आज मैं कुछ नहीं होती। तो आज देखिए मैंने वही साड़ी पहनी है जिसके लिए आपने मुझे सबसे ज़्यादा बोला था कि दी ग्रीन कलर की साड़ी पहनिएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा मेरे वॉल से मैचिंग है। और इनफैक्ट ये जो ड्रीम कैचर है इससे भी काफ़ी ज़्यादा मैचिंग है। और लकीली मेरे पास मैचिंग ब्लाउज भी था जो कि ये वाले बॉर्डर से काफ़ी मैच कर रहा है। और मैंने आज अपनी सिल्वर ज्वेलरी भी पहनी है, सो आप सबके सजेशन पर। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कहाँ से साड़ी ली है मैंने, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक मेंशन कर दूंगी, और मैं उस वीडियो को भी मेंशन कर दूंगी जब मैंने आपको दिखाया था और भी साड़ियाँ। सो कैसी लग रही है ये साड़ी, ये ज्वेलरी? मेकअप कुछ खास नहीं किया है, बस मैंने थोड़ी सी बीबी क्रीम लगा ली है, बिंदी, डिफाइन आईब्रोज, लिपशेड, बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि किचन में बहुत सारी चीज़ें बनानी है। तो बचपन से ही मैंने अपने मम्मी को देखा है गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट करते हुए, वो बहुत अच्छे से बनाती है गुरु पूर्णिमा, क्योंकि उन्हें भी यही लगता है कि जिन गुरु की वजह से हम लोग आज यहाँ पर है, डेफिनेटली आज का दिन सेलिब्रेट होना चाहिए। तो मेरी मम्मी से ही मैंने सीखा, और मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से मेरी बेटी सीखे। और आज किचन में इसलिए कुछ स्पेशल बनाऊँगी, मम्मी भी बनाती थी, मैं भी बनाऊँगी। वैसे मम्मी से भी बात करेंगे कि उन्होंने क्या बनाया है, पर मैं क्या बना रही हूँ चलिए दिखाती हूँ। तो आज सब्जी बनेगी फ्लावर की, उसी के बाद मटर, टमाटर और मिर्ची, और यहाँ पर है चना दाल भिगोई हुई। तो मेनू क्या बन रहा है चलिए बता दूँ। तो आज का मेनू है सेवई की खीर, दाल पूरी और फ्लावर मटर की एक अच्छी रस्से वाली सब्जी। तो चलिए बनाते हैं, काफ़ी समय लग जाने वाला है और अकेली जान कितना बनाएगी, पर मज़ा आता है मुझे कुछ स्पेशल डे पर स्पेशल कुकिंग करने में। तो ये जो आटा है दाल पूरी का, ये गेहूं का आटा है, उसमें तेल, नमक और हल्दी पड़ी हुई है, और बस इसे मैं गूंथ लूँगी, थोड़ा सा टाइट गूंथा जाता है। अब मैं बना रही हूँ दाल पूरी का मसाला, मतलब स्टफ़। तो ये देखिए मैंने सरसों का तेल डाल दिया है, इसमें पड़ेगी मेथी खूब सारी, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है, लहसुन, मिर्ची, हल्दी, इस तड़के की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और बस अब मैं इसमें ये चने की जो दाल है वो डाल दूंगी भिगोई हुई, नमक स्वादानुसार, और उसी के ठीक बाद थोड़ा सा पानी, पानी बहुत कम पड़ेगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी थोड़ा पानी है। और बस अभी 1 से 3 विसल्स ही लगवानी है। तो यहाँ पर कुकर जब तक हो रहा है तब तक मैं खीर बना लेती हूँ, आटा तो गूंथ लिया है तो तब तक खीर बन जाएगी। खीर बिना ड्राई फ्रूट्स के तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो जो जो पसंद है ड्राई फ्रूट्स वो सब डालना है। और मुझे ना किशमिश नहीं अच्छी लगती खीर में, इसलिए मैं किशमिश कभी खीर में नहीं डालती, बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स डालती हूँ। ओके, तो खीर बन चुकी है, सब्जी भी ऑलमोस्ट बनने वाली है। सारी सब्जियों को मैंने हल्का ऐसे फ्राई कर लिया है, आप देख सकते हैं,
ये देखिए गोभी मटर आलू सबको हल्का हल्का ऐसे भून लिया है। और ये मेरा कुकर खुल गया है, ये भी ठंडा हो चुका है। और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ऐसे ड्राई होनी चाहिए क्योंकि इसे हमें आटे में भरना है ना पराठे की तरह, इसलिए अगर मैं इसे थोड़ा सा भी पतला बनाऊंगी तो ये भर नहीं पाएगा, इसलिए ये ध्यान बहुत देना है। तो गर्मी तो बहुत हो रही है, बारिश तो बहुत हो रही है बाहर, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, पर क्या है ना थोड़ा सा ऐसा ह्यूमिड जैसा वेदर है तो इसलिए गर्मी बहुत हो रही है। और किचन में फ़ैन वगैरह तो चल नहीं रहा है। वैसे ये देखिए मेरा ये जो चने का जो मैंने पकाया था वो मैंने पीस लिया है, तो ये थोड़ा सा ऐसे गाढ़ा होना चाहिए क्योंकि इसे हमें रोटी में भरना है। तो अभी ये स्टफ तैयार है, आटा भी तैयार है, चलिए अभी इसकी मैं वो जो दाल पूरी बोलते हैं या दाल रोटी जो भी उसे बनाते हैं। ये एक ना मराठी में जो पूरन पोली बनती है उसी का एक नमकीन वर्जन है। सो एज यूजुअल हमारा खाना मैंने सबको परोस दिया है और अम्मा का इंतज़ार हो रहा है। अम्मा बस वॉशरूम गई है, अम्मा खाने से पहले वॉशरूम ज़रूर जाती है तो वहाँ पर टाइम लग जाता है उन्हें आते आते। मेरे से रुका नज़ारा लेकिन खा लो आप स्टार्ट करो। और सारा खाना बनाने में काफ़ी समय तो लग ही गया है, पर राज बताएंगे कैसा क्या लग रहा है। दाल पूरी के साथ ना पनीर की सब्जी बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा लग रही है, पनीर तो मैं छोड़ दिया ना। अम्मा का दिया इस बार पनीर से पापा को एलर्जी है। ये सब्जी अच्छी लग रही है। दलई पूरी बढ़िया ठीक है, नॉर्मल कम लग रहा है। सब्जी इसको ना सब्जी इसके भी नून अच्छा लगे। नून मतलब नमक होता है एक्चुअली। मैं नमक एकदम सही है, ज़्यादा डालोगी ना कुत्ता पहन कर बहुत ठीक। कुछ अकेले खा रहे हैं ना, सब्जी के साथ खाएंगे तो अगर ना काका झूमा ये मन का खबर तब अपने मन ही बोलो कि हमारे मन कर तो पूरी बचे खा तब कहे चला खा रहे कहे कैसे जखाए जब हमारा मन पूरी बचे खाए तब पूरी हाली हाली बने रही है तब वो उम्र खा बड़ा जिद्दी रहना छोटे छोट कर रहना दूसरा ब्याह कर रहा हमें लेकिन भय आदत रह। काका की बात कर रही है अम्मा। तो हम आपसे मिल रहे हैं लगभग तीन साढ़े तीन घंटे बाद, खाना खाने के बाद। मैं ऐसे थोड़े बेच कर सोई थी कि पूछिए मत। अब हो गया है हमारा काढ़ा टाइम। यस यस दोनों एक ही, आप देख क्या रहते हैं ज्यादा कौन सा मैं ज्यादा वाला लेता। मेरे साथ भी चीयर्स कर लो। यस और आजकल आजकल मुझे क्या बोला जा रहा होगा आपको पता नहीं है, मैं बता दूं मुझे बोला जा रहा है मेरा ये फट गया ये सिल दो, मेरा ये फट गया ये सिल दो। मतलब कल तक किसी का कुछ भी नहीं फटा था और आज हमारे घर में एक दर्जी आ गई है तो उसको काम तो दिया जाएगा ना आज। मतलब तो तुम्हें खुशी भी होती है? हाँ, खुशी बहुत होती है बहुत। अनिका बोल रही है मम्मी मेरा ना स्कर्ट थोड़ा सा फट गया। तुम्हारी साड़ी ये देखो क्या हो गई, यही सब कैसे हो गई? अरे ये भी बोल रही मैं फटने वाली हूँ। ऐसा नहीं है, इसको भी मैं सोच रही थी पीको करने का। अच्छा मैं पीको भी करती है क्या वो मशीन? एक्चुअली उसकी ना ब्लेड थी नीचे वाली वो जो बदल कर नहीं नहीं वो एक और बॉक्स में रखा है उसके सारे सेट्स। पीको भी कर देगी बट मैं रिक्स नहीं लेना चाहती, जितना चल रही है उतने लिए चल रही। पहले सारे कपड़े जब सिल लेना उसके बाद रिस्क लेना। अच्छा बहुत से मुझे कमेंट्स आएंगे कि दी गुरु पूर्णिमा के बारे में बताओ, क्योंकि जब किसी त्यौहार के बारे में मैं बात करती तो राज आपको डिटेल में बताएंगे गुरु पूर्णिमा।
क्या होती है, मतलब गुरु पता होना पूर्णिमा चाहिए। हाँ मतलब गुरु पूर्णिमा एक्चुअली ना तुमको पता है नहीं पूछा, मुझे पता है तो पूरा तुमको भी नहीं पता होगा, इसे मैं बता देता हूँ। sure. गुरु पूर्णिमा एक्चुअली एक तरह का मतलब टीचर्स डे ही है, जो मतलब ये टीचर्स डे गुरु पूर्णिमा जो मनाया जाता है, ये तीन मेनली इंडिया और नेपाल और भूटान में मनाया जाता है मेनली, और क्योंकि इसको जनरली हिंदू मनाते हैं, जैन मनाते हैं और बुद्धिस्ट भी मनाते हैं, तीनों अलग अलग रीजन से मनाते हैं। और गुरु पूर्णिमा मतलब गुरु को अपना ग्रेटिट्यूड मेनली देने के लिए, गुरु को धन्यवाद देने के लिए होता है, और इसको बोलते हैं वेद व्यास पूर्णिमा भी बोलते हैं, पता है कि नहीं? राइट। वेद व्यास कौन था पता है? वेद व्यास थे हमारे महाभारत का जो लिखा था, और वेद व्यास उनको नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि व्यास का मतलब होता है कि एडिट एंड व्यास जो होता है, हम वो सर्कल के लिए व्यास वो करते हैं ना? नहीं वो व्यास नहीं होता, व्यास अलग है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज को ब्रेक करके एडिट करना। तो उन्होंने क्या किया था, वेदों को पहले चार भाग में बांट किया था, जो चार वेद हैं वो एक्चुअली उन्होंने लिखे थे। चारों वेद जो हैं अपने कौन कौन से वेद, सामवेद, अथर्वेद, अथर्वेद और एक कोई रह गया, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्वेद और एक और वेद है। ओके, आप कमेंट करते हैं। तो चार वेद जो था, चारों वेद को चार पार्ट में जो डिवाइड किया था वेद व्यास ने किया था, इसलिए उनका नाम वेद व्यास पड़ा था। और उनका जन्मदिन भी आज के दिन मनाया जाता, तभी से इसको गुरु पूर्णिमा की तरह मनाया जाने लगा आज के दिन को। ये आषाढ़ मास की पहली पूर्णिमा, आषाढ़ मास में जो पूर्णिमा पड़ती है ना उस दिन मनाया जाता। आषाढ़ हिंदी महीना, अगर आप हिंदी पता होगा तो आपको पता होगा ना, चैत वैसाख जेठ आषाढ़ मतलब बारिश का सीजन वाला आषाढ़ होता है, तो इसका पहले पूर्णिमा होता। और बुद्धिस्ट मनाते हैं जनरली बुद्धा को अपना ग्रेटिट्यूड देने के लिए, उसके पीछे भी कोई बड़ा रीजन है बुद्धा को क्यों आज के दिन ग्रेटिट्यूड दिया जाता है। और योगी लोग इसको मनाते हैं शिव, भगवान शिव को अपना ग्रेटिट्यूड देते हैं, मतलब उनको गुरु की तरह मानते हैं। भगवान शिव ने आज के दिन सप्तऋषि जो थे ना, सप्तऋषि, उन्हें आज के दिन अपना शिष्य माना था, उनका गुरु बने थे, उनको आदि गुरु के नाम से तब से पहचाना गया। तो ये सारे रीजंस हैं। और नेपाल में अपने टीचर्स को एक टोपी देते हैं स्टूडेंट आज के दिन, टोपी एक स्पेशल टोपी बनाते हैं, माला पहनाते हैं आज के दिन, पता है वहाँ पे मनाने का तरीका ये है। तो बेसिकली जो इसमें जरूरी नहीं कि आपको जो टीचर पढ़ाते हैं उन्हीं को आप दें, आप अपने स्पिरिचुअल गुरु को, अपने जिसको भी आप जैसे जिसको भी आप अपना गुरु की तरह मानते हैं ना, उसको आज के दिन ग्रेटिट्यूड देना चाहिए। भगवान का नाम आते ही अम्मा को बहुत इंटरेस्ट आ जाता है, तो भगवान का नाम आया इसलिए अम्मा का, तो समझ गए गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। मुझे पता था वैसे भी पहले, मतलब पता रहा होगा गुरु, लेकिन बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे रीजन, ये इतने नहीं बताते। यस, तो आपने कैसे सेलिब्रेट की, आप कैसे करते हो वो भी बताइएगा। और मैं थोड़े देर के बाद आपको एक मेरी छोटी सी कहानी बताऊंगी बचपन की, जो रिलेट है इससे, तो मैं बताऊंगी। अभी थोड़ा काढ़ा वगैरह पी ले। किचन में कुछ बनाना पड़ेगा ये मैं सोच कर आई थी, पर लकीली बहुत सारा खाना है, जैसे कि जो दाल पूरी बनाई थी वो भी काफ़ी है, और ये बर्तन वगैरह तो मैंने खाना खाने के बाद ही धुल दिए थे, क्योंकि फिर बाद में होता नहीं, और उसी के बाद मैं इतने घोड़े बेच कर सोई थी। और ये देखिए चावल मैंने भिगोया था, इसका पानी फेंक कर इसे मैं रख देती हूँ अंदर। ये चावल मैंने इसलिए भिगोया था कि मैं इसकी एक रेसिपी बनाने वाली थी। एक्चुअली मैं इसके वो ककड़ी डालकर और चावल पीसकर वो बनाती हूँ, आपको पता है चीले जैसा, वो बनाने वाली थी आज शाम को, बट दोपहर का इतना खाना है कि वो बासी रह जाएगा, इसलिए मैंने बोला खाना इतना फेंकना नहीं चाहिए, तो इसे मैं रख देती हूँ और कल सुबह ब्रेकफास्ट में बनाऊँगी। और चावल इतने अच्छे से भीग चुके हैं आप देखो यहाँ पर, और चलो इसको रख देती हूँ। और खीर भी काफ़ी है, यहाँ खीर भी काफ़ी है, सब्जी भी है, और इस बार मैंने ये वाली सेवई की खीर बनाई थी। मैं आपको बता दूँ मुझे इससे ज़्यादा अच्छी ना
वो जो एकदम थ्रेड जैसी सेवई आती है ना, जिसका शीर कोरमा बनता है, वो वाली बहुत अच्छी लगती है। बाल मेरे थोड़े ऑयली हो गए हैं, पसीना बहुत आ रहा है क्योंकि मौसम बहुत ह्यूमिड सा है। बारिश इतनी हो रही है, इतनी हो रही है कि कोई लिमिट ही नहीं है बारिश की मुंबई में, इतनी हो रही है। चलिए इसे रख देती हूँ, और अभी जैसे 7:05 बाकी है तो आराम से मैं 7:15 भी खाना गर्म करूँगी, तो 7:30 हम लोग खा लेंगे। ये देखिए रख देती हूँ अंदर। अच्छा, ये साड़ी जो है मैंने पूरे दिन आज पहनी है, इसके साथ खाना बनाया, बर्तन धोए, और एक वीडियो भी अभी अभी शूट किया है मैंने इंस्टाग्राम के लिए। अगर आप फॉलो नहीं करते तो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं इस साड़ी का एक बहुत अच्छा सा वीडियो लेकर आऊँगी, तो कर लीजिएगा मुझे फॉलो वहाँ पर। एंड हाँ, मैं आपको एक बचपन की कहानी बताने जा रही थी। गुरु पूर्णिमा पर ना हम हमारे टीचर्स को ना कुछ गिफ्ट देते थे, जैसे कभी पेन या फिर कुछ खरीद के ही देते थे मोस्टली। तो हमारे जो टीचर्स थे ना, वो सारे टीचर्स ऐसे नहीं थे, पर कुछ टीचर्स हमें बोलते थे कि कुछ खरीदो मत, अगर आप प्यार से दिल से एक पत्ता भी दे दोगे ना तो भी हमारे लिए इनफ है। तो तब मुझे नहीं समझता था, पर जब मैं काफ़ी बड़ी हो गई थी 10th स्टैंडर्ड में, तो मैंने उनसे पूछा था कि सर आप ऐसे क्यों बोलते थे कि आप एक पत्ता भी दे दोगे तो भी हमें अच्छा लगेगा। तो सर बोलते थे कि क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है, किसी की नहीं होती है, और कहीं अगर तुमने कुछ मुझे दे दिया और जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है उसने मुझे नहीं दिया, तो साल भर तो वो वही सोचेगा ना कि हो सकता है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, इसलिए सर मुझे सपोर्ट नहीं करते, मुझे लाइक नहीं करते। अगर कहीं पर भी मैंने पूरे साल में उस पर थोड़ा सा भी गुस्सा निकाला तो ये सर ने मुझे बात बोली थी। तो वही सर बोल रहे थे कि हमें जितना मिलना चाहिए वो हमें मिल जाता है, स्कूल हमें सैलरी देती है, पर उससे ज़्यादा आप लोग जब सक्सेसफुल होते हो, आप लोग इतना आगे चले जाते हो, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। एंड वो एक गिफ्ट वो नहीं कर सकता, कंपेयर नहीं कर सकते हम लोग। तो वो सर की एक जो बात थी वो मेरे दिमाग में थी कि सही सर ने बोला कि कई बार गिफ्ट से बड़ी चीज़ होती है फीलिंग, प्यार, दिल से हम कितना कर रहे हैं। तो वो सर की एक चीज़ मुझे कभी नहीं भूलती है, और वो सर मुझे आज भी कांटेक्ट में है। बीच में नहीं थे, बट मेरी मम्मी उनसे मिली तो एक बार फिर से मतलब हमारा कांटेक्ट वो हुआ, मेरी मम्मी ने मेरा नंबर दिया उन्हें। तो सर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने लाइफ में हमें काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई है। बहुत सारे सर टीचर्स लाइफ में आए और उन्होंने भी काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई, बट इन सर ने मुझे 4th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाया है, गाइड किया है, और काफ़ी मतलब अच्छी चीज़ें बताई है लाइफ की। तो अच्छा लगता है कि हम लोग ऐसे सर के हाथों के नीचे पले बड़े हैं, और मतलब है ऐसी बहुत सी यादें हैं जो हम लोग नॉर्मली याद नहीं करते, पर आज गुरु पूर्णिमा है तो याद आ रहा है कि कैसे हम लोग गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट करते थे, और बहुत मज़ा आती थी यार, बचपन की बात ही अलग थी। आप करते थे क्या बचपन में वो बताइएगा। आजकल के बच्चों के स्कूल में वैसे भी गुरु पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रहा, क्योंकि अभी अनिका स्कूल जाती है तो पता चलता है कि इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था। बदल गया है, सब कुछ बदल रहा है। तो नेकलेस निकाल दिया है गले से, इसलिए आप देख सकते हैं गला थोड़ा सुना सुना लग रहा है। तो इस नेकलेस को मैं लगे हाथ रख दूँगी। मेरे पास इतने सारे नेकलेसेस है, इतनी ज्वेलरी है, इतनी ज्वेलरी है कि मैं इस तरह के कुछ ऑर्गेनाइजर्स मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदे थे और इन्हीं में मैं रखती हूँ। सो ये कौन से वाले पैकेट से निकाला था वो एक्चुअली मैं भूल गई हूँ, तो ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह के कुछ पैकेट्स आते हैं, इसमें आराम से 10 से 12 ज्वेलरीज रख जाती है। ये देखिए मैंने एक एक ज्वेलरी इस तरह से, बस हो रहा है इस तरह से मैंने अपनी ज्वेलरीज रखी है, तो मैं बहुत आसानी से अपनी ज्वेलरी निकाल लेती हूँ और रख लेती हूँ। तो अब मैंने शायद इसमें से निकाला था, ये देखिए याद आ गया मुझे, इसके एक पैकेट में से निकाला था। ये देखिए तो ऐसे मैंने अलग अलग रखे है, ये 10 वाला, ये 10 वाला, मतलब इसके अंदर 10 ऐसे पैकेट्स है, ये 10 और ये, और सारे फुल है, और बहुत से पैकेट्स में तो एक साथ दो दो और तीन तीन रखे हैं मैंने।
तो ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर है। अमेजोन पर आपको बहुत सारे कलर में, शेप में, साइजेस में मिल जाता है। तो ये मैंने 10-10 वाला खरीदा है। वैसे कलर तुम्हें कौन सा पसंद आया? यही पर्पल वाला, रेड वाला। तो आराम से आपकी ज्वेलरी रहती भी है, ये देखिए आराम से ज्वेलरी रहती है इसके अंदर। इसके अंदर ऐसे रखा जाता है सारे। हाँ, ये देखिए मैं एक दिखा देती हूँ, ये देखिए एक पैकेट में दिया जाता है। तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा ज्वेलरी हो तो बिलीव मी, इससे अच्छा ऑप्शन आपके पास कुछ नहीं हो सकता। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, बॉक्सेस वगैरह रखना ना थोड़ा सा बहुत ज्यादा स्पेस लेने जैसा होता है, और ये ना बहुत कम स्पेस में आ जाता है। तो मैंने ऐसे 4 पैकेट्स रखे हुए हैं, और यहाँ पर मेरे पास पता आपको इतना ही स्पेस है। ये देखिए यहाँ पर हाथ जा रहा है ना, इतना ही स्पेस है मेरे पास। तो मैं इनको एक के ऊपर एक रख देती हूँ चारों को, और ये आराम से आ जाते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, तो काफ़ी कम स्पेस लगता है। ये देखिए 2 गए, ये गया 3, और ये गया 4। तो यहाँ पर देखिए मेरे सारे इयररिंग्स, नेल आर्ट की चीज़ें, कुछ एक्स्ट्रा स्टफ, और बहुत सारी छोटी छोटी, मोटी मोटी, बड़ी बड़ी सारी चीज़ें मैं इसी के अंदर रखती हूँ। ये बहुत मल्टीपर्पज़ वाली मेरी अलमारी है, जो बहुत 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 मेरे काम आती है, इतने कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो चलिए फेस वॉश वगैरह भी कर लेती हूँ, चेहरे पर थोड़ा सा दिख ही रहा है, थक गया है चेहरा अच्छा खासा। और आज शाम को हमने गुरु पूर्णिमा की पूजा भी अटेंड की ऑनलाइन, तो बहुत अच्छा लगा हमें भी वो पूजा अटेंड करके। तो चलिए फिर, इससे ज़्यादा व्लॉग नहीं हो पाएगा, लाइक करिए गाइस, आजकल आप लोग लाइक नहीं कर रहे। और मैं सीरियस इशू यूट्यूब के साथ फेस कर रही हूँ, जिसके लिए मैं हर दूसरे दिन अपनी गूगल की, जो मेरी यूट्यूब मैनेजर है, उससे कंसल्ट कर रही हूँ एवरी डे। शी इज़ ट्राइंग हर बेस्ट कि वो इस सॉल्व कर दे इस प्रॉब्लम को, क्योंकि ये प्रॉब्लम अब ना बहुत ज़्यादा दिनों से मैं फेस कर रही हूँ। स्टार्टिंग में मुझे ऐसे लग रहा था कि अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, बट ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। सो यूट्यूब टीम बहुत बोल रही है मुझे कि हम लोग काम कर रहे हैं, लेट्स सी ये कब तक सॉल्व होता है। बट मोर देन 3 वीक्स हो गया है कि इस पर गूगल की टीम काम कर रही है, मेरी मैनेजर काम कर रही है। एंड प्रॉब्लम यही है कि जो व्यूज़ मेरे पास यूट्यूब स्टूडियो में दिखा रहा है, वो आप सभी को नहीं दिखा रहा है। सो ये प्रॉब्लम मैं बहुत दिनों से, मतलब मोस्ट 3 वीक्स हो गए, 3 वीक्स से मैं फेस कर रही हूँ, लेट्स सी कब तक सॉल्व होगी। तो बहुत ज़्यादा लाइक करें और मुझे थोड़ा सा डीमोटिवेट होने से बचाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे बहुत डीमोटिवेट कर रही है। क्योंकि आप इतना मेहनत कर रहे हो एंड उस चीज़ का लोगों को नहीं दिखता है, तो लोग अलग से आपको जज करना चालू करते हैं। ऑलरेडी ये मेरे चैनल पर स्टार्ट हो गया कि लोगों ने मुझे बहुत गंदी तरह से, कुछ लोगों ने, सब ने नहीं, जज करना चालू कर दिया है, जो कि बिल्कुल फेयर नहीं होगा। हर किसी की प्रॉब्लम हर किसी को नहीं पता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जज करने से पहले एटलीस्ट समझ ले। तो मैं भी यहाँ पर कल या परसों नहीं आई हूँ, काफ़ी सालों से मैं वीडियोस बना रही हूँ, यूट्यूब पर हूँ, मेरा अर्निंग सोर्स है। और लास्ट 3 साल में मैंने मोर देन 350 ब्रांड्स के साथ काम किया है, तो कुछ तो हूँ। बट कुछ लोगों को जैसे लगता है कि अरे ये कौन है ऐसी ही, ठीक है उनके लिए मैं है ऐसी ही होंगी, बट मुझे पता है कि मैं कौन हूँ। तो कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है कि प्रकृति ऐसा गेम खेलती है कि तो थोड़ा सा हिल जाती हूँ। तो आप मुझे थोड़ा सा हेल्प करिएगा, लाइक करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, एंड गुरु पूर्णिमा कैसे सेलिब्रेट किया बताना, ठीक है? चलिए फिर बाय, अपना ख्याल रखिएगा।